कल शिमला में विधायक दल की बैठक है, सभी जितने भी विधायक है कांग्रेस के उनको कल शिमला बुलाया गया है, 11 बजे बैठक होगी। इसके अलावा पोस्ट कोड 980 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी है, अभी सचिवालय में हैं और मुख्यमंत्री से कुछ देर बाद ये मिलेंगे। रिजल्ट का अगर इनको आश्वासन आज मुख्यमंत्री से नहीं मिलता है, एक जो कह सकते हैं आप डेडलाइन जो कह सकते हैं आप कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन इसमें हम रिजल्ट निकालेंगे, अगर ये डेडलाइन आज इनको नहीं मिलती है तो कल से चौड़ा मैदान में अनिश्चित कालीन धरना ये करने वाले हैं। और इनका ये कहना है कि पोस्ट कोड 817, पोस्ट कोड 903, पोस्ट कोड 939, जिस तरीके से राज्य सरकार ने इनका रिजल्ट निकाल दिया है तो हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है, हमें भी कंडीशनल ज्वाइनिंग दी जाए, ये इन्होंने जो है वो सरकार से गुहार लगाई है। और अब देखना पड़ेगा कि इसमें जो है वो क्या क्या करती है सरकार और सीएम इस पर क्या जो है उनका आश्वासन देते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि जो विजिलेंस है, जो इसमें दोषी है, अगर कोई दोषी है तो उन पोस्ट कोडों को होल्ड करके जो रिजल्ट है वो निकाला जाए। इनका ये भी दर्द है कि जो बैचवाइज लगे उनको लगा दिया गया है, जो हम हैं हमने प्रॉपर कह सकते कमीशन से हम फाइट करके आ रहे हैं, हमें अभी तक जो है वो नियुक्ति नहीं मिली है, तो ये बहुत परेशान है। अब देखना पड़ेगा सीएम इसमें क्या करते हैं। इसके अलावा आज की सबसे बड़ी जो खबर है, स्कूलों में होने जा रहे जो परख सर्वे की परीक्षा में अगर गड़बड़ी पाई गई तो शिक्षक एसीआर, जो शिक्षक की एसीआर है वो प्रभावित होगी, बड़ी खबर है सरकारी स्कूलों की। आज समग्र शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल्स और जो डीपीओ है इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ये आदेश दिए हैं, सर्वे के दौरान लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों की शिक्षा मंत्री व सचिव को रिपोर्ट भेजी जाएगी। कोई भी शिक्षक छात्रों को परीक्षा के दौरान नकल या फिर गाइड नहीं करेंगे, नंबर एक। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के अंदर भी संबंधित स्कूल के शिक्षक अन्य स्टाफ के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। आपको बता दें 4 दिसंबर को प्रदेश में परख सर्वे होने जा रहा है, इसमें तीसरी चौथी छठी सातवीं कक्षा के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा होगी। इस परीक्षा के सर्वे में हिमाचल प्रदेश का शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश भर में कौन सा रैंक है इसका पता चलेगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं आप शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में 21वें पायदान पर है। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस परख सर्वे को लेकर सरकार और जो शिक्षा विभाग है उसने अपनी कमर पूरी कस ली है। और इसमें क्या होगा, 1215 स्कूलों में यह सर्वे होना है प्रदेश में, इसमें केंद्र सरकार से 1215 जो ऑब्जर्वर है वो भेजे गए हैं। जिस स्कूल में यह परख सर्वे किया जाएगा, परीक्षा होगी, वहां के शिक्षक और जो हेड परीक्षा केंद्र है, जो हेड परीक्षा केंद्र है वहां पर वो नहीं जाएंगे, नंबर एक। इसके लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं की परीक्षा केंद्रों में अलग से ड्यूटी लगाई गई है। कुल मिलाकर परख सर्वे को लेकर सरकार भी विभाग से अपडेट ले रही है। इस सर्वे में प्रदेश के 27,559 छात्र भाग लेंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जी परख सर्वे, और इस पर एसीआर भी प्रभावित होगी जो टीचर्स हैं, तो इसलिए बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे से उनकी तैयारी करें, ये जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। और जो कहीं पर रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है, कहीं पर जो है परख सर्वे में कमी रहती है, तो फिर उनकी जो एसीआर प्रभावित हो सकती है शिक्षकों की।